दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो काफी लोग यह गलतियां करते ही रहते हैं। सड़क पर कुछ चीजें ऐसी पड़ी होती हैं जिनसे आपको बिल्कुल बच कर निकलना चाहिए, नहीं तो इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अचानक से आ जाती है। काफी बार तो ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है आपकी जिंदगी में, लेकिन अचानक से बहुत ही ज्यादा मुसीबतें आने लग जाती हैं, जिससे जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है और बहुत ज्यादा मुसीबतें आ जाती हैं, और यह काफी लंबे समय तक परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ती हैं और आप सिर्फ देखते रह जाते हैं या फिर सोचते ही रह जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि रास्ते पर कुछ चीजें पड़ी होती हैं जो काफी लोग जानकर ही छोड़ते हैं या फिर फेंकते हैं, जिससे जब भी कोई व्यक्ति उन चीजों पर पैर रखता है या उनके ऊपर से निकलता है तो वह सभी बलाएं उस व्यक्ति पर लग जाती हैं और उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाता है जो काफी लंबे समय तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान और मुसीबत से घिरने लगता है। काफी लोग इन बातों के बारे में नहीं जानते हैं और जाने अनजाने में अपना समय खराब करवा लेते हैं और दुर्भाग्य उनके पीछे लग जाता है, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान तो होता ही है, इसके साथ ही वह बहुत ज्यादा परेशान भी रहने लगते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपको इन बातों के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी होता है, इससे आप बुरे समय से हमेशा ही बचे रहते हैं और परेशानियों से भी बच जाते हैं। तो इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कटे हुए बाल पड़े मिलते हैं अपने घर के बाहर या कहीं भी, तो आप उन्हें भूल कर भी ना छुएं और ना ही उसके ऊपर से निकलें। बालों से काफी ज्यादा तंत्र से जुड़े हुए प्रयोग किए जाते हैं, तो हमेशा इनसे बच कर ही आपको रहना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, नींबू या फिर मिर्च, अगर आपको कहीं भी पड़े मिलते हैं तब भी आपको इनके ऊपर से कभी भी नहीं निकलना चाहिए। इससे तुरंत आप में वो सभी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, इसका प्रभाव एकदम तुरंत होता है, इसीलिए आपको इनसे बहुत ज्यादा बचकर रहना चाहिए। तीसरी चीज है दोस्तों, लाल रंग या किसी भी रंग मिला हुआ पानी आपको मिलता है या फिर दिखता है किसी भी घर के बाहर या फिर कहीं पर भी आपको दिखता है रंग मिला हुआ पानी, तो आपको तुरंत इससे दूर हो जाना चाहिए और हमेशा ही इससे बचकर भी निकलना चाहिए। इसीलिए होली पर ज्यादातर घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दिन भी बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं और अब तो होली भी आने वाली है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी इस पानी से पैर रखकर ना निकलें और हमेशा ही इस पानी से आपको बचकर निकलना चाहिए। चौथी चीज है दोस्तों, किसी भी तरह की राख या कांटेदार झाड़ी आपको पड़ी मिलती है तब भी आपको उससे बचकर ही निकलना चाहिए। बंधी हुई पन्नी आपको मिलती है या फिर पोटली आपको कहीं भी पड़ी हुई मिलती है, तो ऐसे में अपना रास्ता आपको बदल लेना चाहिए और वहां से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। यह बहुत ही भयंकर परिणाम देने वाली चीजें हमने आपको बताई हैं, जिन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप इन चीजों से बचकर रहते हैं तो आपके जीवन में किसी भी तरह की बलाएं या फिर परेशानियां नेगेटिविटी नहीं आती हैं। इन बातों के बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं जिनसे उनके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। अगर आपके घर के बाहर भी कोई चीजें ऐसे फेंक देता है तो आपको झाड़ू से उन चीजों को अलग कर देना चाहिए और उन्हें बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, ना ही उनके ऊपर से निकलना चाहिए। हमेशा ही झाड़ू से आपको उन चीजों को दूर कर देना चाहिए। तो जरूर इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष समस्या है या आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारियां सही समय पर सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।